साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। वर्ष 2024 की चैत्र मास की नवरात्रि का शुभारंभ 9 तारीख से हो रहा है। श्री राम लला जी विराजमान हुए हैं 21 जनवरी को, और उनके बाद विराजमान होने के बाद ये पहली नवरात्रि पड़ रही है, और वो भी शुभ अंक 9 से प्रारंभ हो रही है। 9 का मतलब ब्रह्म तत्व, जो कभी समाप्त ना हो, जो यथार्थ हो, जो वास्तविक हो, जो सृष्टि हो, जो ब्रह्म हो। कौन सा ब्रह्म? वो ब्रह्म जिसके लिए मनु जी ने तपस्या की थी, वो ब्रह्म। वही ब्रह्म हैं श्री राम जी, श्री राम लला जी वही ब्रह्म हैं। तो चलिए भाई, आप सबको अभी से शुभकामनाएं। और 21 अप्रैल को श्री हनुमान जी का अवतरण भी होता है इसी माह में, तो उसका छोटा सा आयोजन होता है कसावा में, श्री बाल हनुमान जी के मंदिर में, और पंडित श्री जय प्रकाश द्विवेदी उर्फ लल्लन जी उस आयोजन को बहुत ही आध्यात्मिक रूप से और उल्लासपूर्ण रूप से मनाते हैं। तो अगर समय मिले तो आप भी पहुँचिए, साथ में आपको बाल हनुमान जी के विग्रह की जो दर्शन हैं उनका तो लाभ प्राप्त होगा ही, साथ में आशीर्वाद भी मिलेगा, आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। एक चीज़ जो और बहुत बड़ी मिलेगी वहाँ, कि वहाँ प्रकृति का उन्होंने एक हनुमान जो छोटी सी वाटिका बना रखी है मंदिर में, वो बहुत ही प्रेरणात्मक है। और उनके घर हमेशा बड़े बड़े लोग आते हैं, महानुभाव लोग आते हैं, और वो उनके मेहनत और परिश्रम और उनके जो बगिया का लगाव है, पेड़ पौधों का लगाव है, उससे बड़े अभिभूत होते हैं। आप भी दर्शन करिए, मैं देखिए कुछ झलकियाँ आपको दिखा रहा हूँ, और आप देखिए और मोटिवेटेड होइए। हमारे चैनल का उद्देश्य मुख्यतः यही है कि पर्यावरण प्रकृति का जन जागरण किया जाए, और इन सब की जीव जंतुओं की रक्षा के लिए लोगों को उत्साहित और प्रेरित किया जाए। तो चलिए उसी क्रम में ये एक छोटा सा कदम है, तो आप भी शामिल होइए। श्री जयप्रकाश साहब, ये बताइए कि आपके पेड़ पौधों में बड़ी रौनक है और बड़ी चमक भी है जी। तो कितना पौधा आपने लगा रखा है? पौधा करीब 200 के आसपास हुए पौधा। अरे हाँ। तो ये किसी का मोटिवेशन है क्या? आपने अपने पूज्य पिताजी से पिताजी की देख रेख में? अच्छा, वो लगाते थे पौधा। अच्छा, तो उसी के हिसाब से इसको किए, यथावत किए हुए हैं। तो जिससे क्या मतलब, आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या मोटिवेशन है इससे? तो एक तो प्राकृतिक सुंदरता है। अच्छा, और दूसरी वायु भी शुद्ध होता है, प्रदूषण और वायु, सुबह को जब देखता है तो नेत्र का भी जो विकार है, अच्छा, वो भी दूर रहता है। अच्छा, फल भी मिलते हैं, हरी सब्जी भी मिलती है। वाह, शुद्ध। अच्छा 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 अच्छा, तो जानकारी तो ये हुई है कि आपके इधर बड़े महानुभाव अधिकारीगण भी सब दर्शन करने आते हैं, अधिकारी नेता आउट है और वो देखत है बगिया तो आपकी हमारी। अच्छा, तो काफी लोग। अच्छा, फिर पेड़ पौधन के प्रति, अरे वाह, क्लांचो साइकास, उनकी जो अंदर की भावना है इक्का जागृत होता है। इक्का पाम सब आपने लगा रखा है? हाँ। दफन भी किया? वाह भाई वाह, ये तो पौधा जो है पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी दयाल द्विवेदी साहब के कर कमलों से लगा है जी। वाह साहब वाह, चलिए बहुत ही सुंदर। और आपकी देखो नए पत्ते पान के निकल रहे हैं। अच्छा हाँ, अरे वाह, हनुमान वाटिका, ये अंजीर, और ये क्या, रातरानी? रातरानी, अरे भाई वाह वाह, हार श्रृंगार भी लगा रखा है आपने? श्रृंगार भी है। अरे ये अंजीर है। अच्छा, ये चीकू है। अरे बिल्कुल, तब तो बहुत बड़ा मोटिवेशन आप दे रहे हैं। हाँ। है, यहाँ से तो प्रकृति के बड़े दूर गामी संदेश। चटनी के लिए बाहर देगी पुदीना। अच्छा, अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल पुदीना एकदम हरा भरा है जी। और ये क्या चीज है? ये पांडा। हाँ। पांडा इसका नाम शायद है संभवता। और ये पीली वाली रात रानी। अरे वाह सब वाह, ये पौधा आपका कुछ नर्वस हो गया है, क्या बात हो गई? लेकिन इसमें पत्ते आ रहे हैं। आ रही हैं कली। हाँ, आ रही हैं। तुषार की वजह से। हाँ, माला की वजह से। देखिए, आपने श्री जयप्रकाश जी को सुना,
और उनके मेहनत के द्वारा लगाई गई बगिया को देखा। ऐसा प्रयास हर आध्यात्मिक जगह, जो मंदिर हैं हमारे और जो विशेष धर्मशालाएं हैं उनमें ऐसे मोटिवेशनल प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए जिससे सभी भारतीयों को एक प्रेरणा मिले। देखिए, कोई कर रहा है, कोई पेड़ों को काट रहा है, उसे काटने दीजिए भाई, उसके लिए कानून बना है, उसके लिए आप भारत सरकार ही चिंतित है, लेकिन भारत सरकार के ऊपर आप दबाव डालिए, हाँ, तब वो और अच्छे कानून बनाएगी। और 2024 तो आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, आप उस अपने प्रतिनिधि को जगाइए, जिताइए और जगाइए भी और जिताइए भी कि जो प्रकृति पर्यावरण संरक्षण की नीतियाँ बनाए और मानवता के कल्याण की बात करे। और अच्छा भाई, हम सबको वेलफेयर दे, ऐसे प्रत्याशी और ऐसी सरकार को आप भारत का प्रतिनिधित्व प्रदान करें और मतदान अवश्य करें। चलिए, अब हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।